साथियों हमारे बीच में आज अलग अलग लड़ाई साथी हमारे बीच में मौजूद है। साथी अखिल गोगोई है असम से, तो साथी विनय है सहारनपुर से, साथी दिग्नेश है जो गुजरात में मोदी को हरा के हमारे साथ बैठे हैं। साथियों बड़े खुशी की बात है कि आज हमारे बीच में कुछ ऐसी लड़ाई में साथी बैठे हैं जिसको समाज के लोग अलग अलग मानते हैं। आज हमारे बीच में साथी मनोज मंजिल अभियान जनता क्रांतिकारी जमीनी लड़ाई को और पदाधिकारी बैठे लोगों को इन्होंने सहारनपुर के नीले झंडे की लड़ाई और बिहार के लाल झंडे की लड़ाई एक साथ खड़ा के मंच पर खड़ा किया। साथियों आज कुछ मीडिया रिपोर्ट आई कि काफी छोटी रैली, काफी कम लोग आए हैं, तो इन मीडिया वालों को बता देना चाहते हैं कि साथियों स्ट्रगल संख्या से संघर्ष से किए जाते हैं। और आज बैठे मोदी जी कुछ बैठे मोदी जी के पास समझने चाहिए कि अगर इस देश की जनसंख्या देश का कोई पिछड़ा व्यक्ति बिठा सकता है तो उठा भी सकता है, बात समझिए बड़े मोदी जी को। और इस देश में जो तमिलों को मारा गया, जुनेद को मारा गया, इकलाब को मारा गया, आज देश में ऐसे हालात है कि मुसलमानों को सड़कों को चारों से पत्थर से लुक किया जाता है, उनको कोई भी आगे मार देता है। वही हालात दलितों का है, शफी को दलितों घर चलाए गए, मृत को दलितों घर चलाए गए थे, प्रधानमंत्री दलितों को बलात्कार किया गया था। आज इस समाज में दो राजनीति है, एक मारने की एक मरने वालों की। आज हम इस मन से किसी राजनीति को पैदा कर रहे हैं वह लड़ने वालों की। और साथियों इस राजनीति से देखिए अगर हम लोग आज मंच पे खड़े हैं तो समझता हूँ आज इसलिए खड़े हैं ताकि एक मैसेज दे सके, यहाँ सब केवल भाषण देने के लिए खड़े हैं। आज इस समाज को इस सरकार को हम ये बताने के लिए खड़े हैं कि देश का युवा इस मंच पे एक साथ एक आवाज में लड़ने को तैयार है। आज ओबीसी फोरम से लेके कन्हैया जिग्नेश, विनय रतन, अखिल गोगोई, साथी मनोज मंजिल, शैला, तमाम लोग इस मंच पे खड़े हैं और मैं उम्मीद करता हूँ ये लड़ाई एक साथ एक आवाज में लड़ी जाएगी। ये पिछले 70 सालों में दलितों को अगर कुछ मिला है देश से सरकारों के गुलामी मिली है। आपने बताया जितने दलित उत्पीड़न के केस है, चाहे वो सबीरपुर का केस हो, चाहे भीमा कोरेगांव का केस हो, चाहे मिर्जपुर का केस हो, अफगाना केस हो, किसको न्याय मिला? ये सवाल इस देश के दलितों का देश की सरकारों से। अफगाना में दलितों को मारने के बाद वहीं के दलितों के ऊपर देश जोर लगा दिया गया, ये देश के हालात है। साथियों देखिए जब जेएनयू मूवमेंट चला था तो तमाम जेएनयू के लोगों को उसमें लीडर्स को देश द्रोही बता दिया गया था, जिसमें अधिकतर लोग आते थे वो टिकट बैकग्राउंड से आते थे, चाहे वो कन्हैया हो, चाहे उमर खालिद हो, चाहे रमन आका हो। तो आज जरूरत है कि तमाम समाज के लोग इस सरकार को वो गवार में एक बात कहे, सभी शक्ल को रिहा करो, सभी शक्ल को रिहा करो। और चंद्रशेखर आजाद ने बात को सोची यार जेल में, हम क्या मांगे, हम क्या मांगे, मिला था वो भी एक ही बात बोले, जनता से बात जरूर पूछना, जनता से बात जरूर पूछना कि लड़ाई लड़नी है, लड़ाई हारनी है, तो आप बताइए लड़ाई लड़नी है, लड़ाई हारनी है, तो लड़ेंगे, लड़ेंगे। अपनी बात को ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, बहुत सारे वक्ता और भी हैं, कन्हैया बचे हैं, झंडे के बचे हैं, और क्या बोलते हैं बिना भाई बच्चे बचे हैं।